ब्रदर शेख मोहम्मद बिन जायद आज भी मुझे एयरपोर्ट पर रिसीव करने आए थे। उनकी गर्मजोशी वही थी, उनका अपनापन वही था और यही बात उन्हें खास बना देती है। साथियों, मुझे खुशी है कि हमें भी 4 बार भारत में उनका स्वागत करने का अवसर मिला है। कुछ दिन पहले ही वो गुजरात आए थे, तब वहां लाखों लोग उनका आभार व्यक्त करने के लिए सड़क के दोनों तरफ जमा हो गए थे। आप जानते हैं कि आभार किस लिए? आभार इसलिए क्योंकि वो जिस तरह यूएई में आप सभी का ध्यान रख रहे हैं, वो जिस तरह आपके हितों की चिंता करते हैं, वैसा कम ही देखने को मिलता है। इसलिए उन्हें धन्यवाद बोलने के लिए वो सारे लोग घरों से बाहर निकल आए थे। साथियों, ये भी मेरा सौभाग्य है कि यूएई ने मुझे अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द ऑर्डर ऑफ जायद इसे सम्मानित किया है। ये सम्मान भी सिर्फ मेरा नहीं है बल्कि करोड़ों भारतवासियों का सम्मान है, आप सभी का सम्मान है। मैं जब भी मेरे ब्रदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मिलता हूं तो वो आप सभी भारतीयों की बहुत प्रशंसा करते हैं। वो यूएई के विकास में आपकी भूमिका की तारीफ करते हैं। इस जायद स्टेडियम से भी भारतीयों के पसीने की खुशबू आती है। मुझे खुशी है कि हमारे अमीरात के साथियों ने भारतीयों को अपने दिल में जगह दी है, अपने सुख दुख का साझेदार बनाया है। समय के साथ ये रिश्ता दिनों दिन और मजबूत होता जा रहा और इसमें भी ब्रदर शेख मोहम्मद बिन जायद की बड़ी भूमिका। आपके प्रति वो कितनी संवेदनशीलता से भरे हुए हैं वो मुझे कोविड के दौरान भी दिखा। तब मैंने उन्हें कहा था कि हम भारतीयों को वापस लाने की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुझे बोल दिया कि मैं बिल्कुल चिंता न करूं। उन्होंने यहां भारतीयों के इलाज के लिए, वैक्सीनेशन के लिए हर तरह के इंतजाम किए। उनके यहां रहते मुझे वाकई कोई चिंता करनी भी नहीं पड़ी। मैं आप सबके प्रति उनका ये असीम प्रेम हर पल अनुभवता हूं। और इतना ही नहीं, जब साल 2015 में उनके सामने आप सबकी ओर से
यहां अबू धाबी में एक मंदिर का प्रस्ताव रखा तो वो तुरंत एक पल भी गंवाए बिना उन्होंने हाँ कह दिया। और उन्होंने यहां तक कह दिया जिस जमीन पे तुम लकीर खींच लोगे वो मैं दे दूंगा। और अब अबू धाबी में ये भव्य दिव्य मंदिर के लोकार्पण का ऐतिहासिक समय आ गया है। साथियों, भारत यूएई की दोस्ती जितनी जमीन पर मजबूत है उतना ही उसका परचम अंतरिक्ष में भी लहरा रहा है।